हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमीत और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सिविल टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जो स्पाइरल हम यूज़ करते हैं पाइल फाउंडेशन में, राइट, पाइल फाउंडेशन के रेनफोर्समेंट में जो स्पाइरल यूज़ करते हैं उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, राइट। उसको हम हेलिक्स भी बोलते हैं, राइट। तो हेलिक्स काफ़ी बार हम सर्कुलर कॉलम में भी यूज़ करते हैं और जनरली पाइल फाउंडेशन में तो इसका यूज़ हम करते ही है, राइट। सो इस प्रकार की जो टाई है उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकाला जाते हैं, राइट। ये एक तरह की टाई ही है बिकॉज इसका पर्पस मेन यही है कि आपका जो मेन रेनफोर्समेंट है उसको प्रॉपरली वहाँ पे होल्ड करके रखे, राइट, और उसको वहाँ से अपनी पोजीशन से हिलने ना दे, राइट। सो यही उसका मेन पर्पस है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, मेन रेनफोर्समेंट के बार है पाइल के और ये जो ऐसे गोल गोल जा रही है ये हमारी स्पाइरल है, राइट, हेलिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, राइट। तो आज उसकी कटिंग लेंथ निकालना सीखते हैं, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ड्राइंग समझा देता हूँ मैं आपको कि ये जो आपको आउटर बाउंड्री जो दिख रही है ब्लैक कलर में वो है हमारा पाइल, राइट। वो पाइल के आउटर बाउंड्री है। पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है वो है हमारी स्पाइरल्स जिसकी हमें कटिंग लेंथ निकालनी है, राइट। ब्लू कलर में जो है वो हमारे लॉन्जिट्यूडनल बार्स है जो थ्रू आउट जा रहे हैं, राइट। और ये जो यहाँ पे डिस्टेंस दिखाया हुआ है स्पाइरल एक स्पाइरल से दूसरे स्पाइरल के बीच, इसको पिच बोला जाता है, राइट। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा पिच के बारे में। तो ये पिच है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो स्पेसिंग भी बोल सकते हैं, राइट, स्पेसिंग। और यहाँ पे इस तरह से कवर आएगा, राइट। सो कुछ इस तरह का सिंपल सा ड्राइंग है। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को कट करके भी दिखाया हुआ है ऊपर, राइट, और नीचे वाला जो ड्राइंग है वो आपका टॉप व्यू है, राइट। वो टॉप व्यू से आप देखोगे तो इस प्रकार से दिखेगा, राइट। इसके साथ साथ कुछ डिटेल्स दी है जैसे कि डायमीटर ऑफ पाइल 1.2 मीटर का है, लेंथ ऑफ पाइल 18 मीटर की है, राइट। पिच यहाँ पे जो स्पाइरल की स्पेसिंग रहेगी वो होगी 150 mm की। डायमीटर ऑफ स्पाइरल बार 12 mm का रहेगा, राइट। और कवर जो रहेगा वो 50 mm का रहेगा, राइट। सो नॉर्मली 50 to 75 mm का हम कवर प्रोवाइड करते हैं, राइट। बट ये जो डिटेल्स है उसके बारे में ज़्यादा आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सारे डिटेल्स आपको ड्राइंग में दे दी जाएगी और उसके ऊपर से आपको कटिंग लेंथ निकालना है, राइट। सो ये डेटा का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, राइट। सो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये जो स्पाइरल है, राइट, वो स्पाइरल का हमें डायमीटर चाहिए, राइट, क्योंकि स्पाइरल कहाँ से कहाँ लगानी है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी कटिंग लेंथ किस तरह की होगी। तो सबसे पहले हमें उसका स्पाइरल का डाया चाहिए और वो कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ कि जो हमारा टोटल डाया ऑफ पाइल है, राइट, डायमीटर ऑफ पाइल है उसमें से हम दोनों तरफ से क्लियर कवर डिडक्ट कर देंगे, राइट, और उसमें से हाफ ऑफ स्पाइरल डाया, स्पाइरल का जो डाया है उसका हम हाफ दोनों तरफ से डिडक्ट करेंगे, राइट। इन शॉर्ट बोले तो आपका जो यहाँ पे स्पाइरल है स्पाइरल, और स्पाइरल का सेंटर टू सेंटर हमें डिस्टेंस चाहिए, राइट। सो वो यहाँ पे रहेगा आपका डाया ऑफ स्पाइरल इन केजिंग, राइट। इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कटिंग लेंथ के लिए, राइट। सो सिंपली हम वैल्यू पुटअप करेंगे। डाया ऑफ पाइल 1.2 मीटर है, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू mm में कंसिडर की है, राइट। सो 1200 mm डाया ऑफ पाइल माइनस 2 टाइम्स कवर डैट इज 2 टाइम्स 50 एंड माइनस 2 टाइम्स हाफ ऑफ स्पाइरल डाया डैट इज 2 टाइम्स 12 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा, राइट। सो इस तरह से आपको डायमीटर मिल गया 1088 mm। मैंने उसको थोड़ा अप्रोक्स कर दिया और 1.1 मीटर यहाँ पे लिख दिया है, राइट। सो ये हो गया हमारा डाया ऑफ स्पाइरल। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए दोस्तों कि नंबर ऑफ स्पाइरल, कितनी स्पाइरल हमें लगने वाली है, बिकॉज हमारा एक बार तो आप जैसे जानते हैं मैक्सिमम 12 to 13 मीटर तक रहता है, राइट, इससे ज़्यादा नहीं रहता, राइट। बट हमारी जो पाइल है उसकी लेंथ कितनी है 18 मीटर है, राइट, और ये ऐसे घूम घूम के जाएगी तो
उसकी लेंथ भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सो नंबर ऑफ स्पाइरल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ पाइल डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस वन, राइट। सो लेंथ ऑफ पाइल 18 मीटर है, सो 18 डिवाइड बाय स्पेसिंग, पिच हमारा 150 mm है, सो 0.15 मीटर प्लस वन, तो कैलकुलेशन से आपको मिल जाएगा 121 नंबर्स, राइट। सो इतने नंबर्स ऑफ हमें स्पाइरल लगने वाली है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्कमफेरेंस पे। सर्कमफेरेंस का हमें फॉर्मूला पता है कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू डी, राइट। सो एक स्पाइरल का सर्कमफेरेंस होगा पाई इंटू डी। अभी जो यहाँ पे डाया यूज करना है वो हमारा स्पाइरल का जो हमने डाया निकाला वो यहाँ पे यूज करना है, राइट। सो पाई मल्टीप्लाई बाई 1.1, राइट। सो आपको एक स्पाइरल का सर्कमफेरेंस मिल गया 3.45 मीटर। इन शॉर्ट बोले तो ये जो आपका सर्कमफेरेंस है वो ही होगा आपके एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ, राइट। सो आपको ये एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ मिल गई, करेक्ट। अभी आपको टोटल कटिंग लेंथ निकालनी है, राइट। सो टोटल कटिंग लेंथ क्या होगा, सिंपली सर्कमफेरेंस ऑफ वन स्पाइरल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्पाइरल्स, राइट। सो 3.45 मल्टीप्लाई बाय 121, सो आपको आंसर मिल जाएगा 417.45 मीटर। सो इतनी आपकी कटिंग लेंथ हुई किसकी, स्पाइरल की, राइट। बिकॉज ये ऐसे घूम घूम के जा रही है तो इसीलिए आपको वहां पे ज्यादा लेंथ लगेगी, राइट। अभी दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि इतना लंबा तो कोई भी बार प्रोड्यूस नहीं होता, कोई भी बार मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, राइट। सो बीच में हमें लैप देने होंगे, राइट। सो वो लैप की लेंथ भी हमें कंसिडर करनी होगी, राइट, जो यहाँ पे नहीं की है। तो चलिए हमें कितने नंबर्स ऑफ लैप लगने वाले हैं वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। अभी टोटल हमारी 417 मीटर की हमें लेंथ है, राइट। सो 12 मीटर पे हमें एक लैप लगेगा, राइट। तो सिंपली 417 मीटर पे कितना लगेगा, राइट। उस प्रकार के सिंपल मैथमेटिकल्स का यूज किया है और यहाँ पे फॉर्मूला बना है नंबर ऑफ लैप जॉइंट, जो हमारी लेंथ आई अभी कटिंग लेंथ, डिवाइडेड बाय 12, राइट। उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, राइट, बिकॉज एंड पे हमें कोई वहाँ पे लैप नहीं देना, राइट, इसलिए वन माइनस करते हैं, राइट। सो सिंपली कैलकुलेशन से आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 34, राइट। सो आपको 34 नंबर्स लैप देने पड़ेंगे, राइट, मतलब आपको 34 टाइम्स लैप देने होंगे टोटल ये पाइल में, राइट। सो सिंपली हमारी टोटल कटिंग लेंथ क्या हो जाएगी, जो हमने पहले निकाली 417 प्लस लैप लेंथ, राइट। अब लैप लेंथ कैसे निकलेगा, लैप लेंथ के लिए हमें लैप दे दिया गया है कि कितनी लैप लेंथ कंसिडर करनी है, यह भी ड्राइंग में दे देंगे, राइट। यहाँ पे मैंने 50 कंसिडर किया हुआ है, राइट। सो 50 मल्टीप्लाई बाय हमारा डाया ऑफ जो स्पाइरल रहेगा वो 12 mm का है, राइट, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा। सो 50 टाइम डी मल्टीप्लाई बाय कितनी है, ऐसी 34 नंबर से, सो 34 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल लैप लेंथ मिल जाएगी, राइट। अभी ये हमारी मीटर में है, राइट, सो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, सो मैंने 1000 से डिवाइड किया है इसलिए, राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको टोटल कटिंग लेंथ मिल जाएगी 437.85 मीटर, राइट। सो दोस्तों ये हुई आपकी स्पाइरल की कटिंग लेंथ, राइट। सो इस तरह से हम स्पाइरल या हेलिक्स की कटिंग लेंथ साइड पे निकालते हैं, राइट। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, राइट। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।